মই এইটো ক্লেপত সন্তুষ্ট নহয়, মই এইটো ক্লেপত সন্তুষ্ট নহয়। যেতিয়ালৈকে মই সন্তুষ্ট নহওঁ তেতিয়ালৈকে মিটিং বন্ধ নহয়। ফ্রেন্ডস, ইউ আর অল টেলিভিশন ডিস্ট্রিবিউটর। मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैंने 6 साल काम किया, वहां पे मेरे को बहुत कुछ मिला है, लेकिन कुछ डिफरेंस मिला। मैंने कंपेयर किया और कैपिटल मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन किया। 6 साल काम करने के बाद मेरे को जो इनकम नहीं मिला था, वो इनकम सिर्फ कैपिटल ने 5 माह के अंदर मेरे को दे दिया। और आज मीटिंग में मेरा जो अप्लाई है, जो मेरा गुरु है, जो मेरा मेंटर है, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में ज्वाइनिंग कराया, समझाया, वही है मौलाना मिस्टर अब्दुल अहमद बरोनिया। सो प्लीज रिक्वेस्ट बी आवर मेंटर्स ऑफ यू। और एक बहुत ऑनेस्ट आइडिया लिखा है, जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ा और साथ लेके ये कमीशन मार्केटिंग जानी में मेरे को गाइड कर रहा है, वो है नर्तिश फाउंडर मिस्टर शोरुद्दीन साहब, उनके लिए जुड़ा किया था। और आज मैं जहां पे खड़ा हूं, टुडे आई एम हियर स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ ओनली फॉर यू एंड स्पेशली मिस्टर वाहिदुल जमान, अवर डायनेमिक और एनर्जेटिक यंग, जिसका बात सुनते ही मेरे को एनर्जी आ जाता है बॉडी में, जिसको देखने के बाद मेरे को कुछ अलग महसूस होता है, वही और कुछ नहीं है, वही आप लोगों का लीडर है, आप लोगों का लीडर है, वही है मिस्टर फखरुल इस्लाम। तो उनके लिए जुड़ा करता हूँ। आज लगना टीम को हमें बहुत अच्छा लगता है, कबीर सार को भी अच्छा लगता है, और कबीर सार कौन है आप लोगों को पता नहीं मिल रहा है, वही कंपनी का टाइम नंबर पर्सन है। ये कंपनी जो है कमीशन मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, उनका जो मैनेजमेंट है, वो 3 लोगों के मिल के ये कंपनी बनाया है, और वही कंपनी का एमडी है मिस्टर गौरव धवन, सीएमडी है मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, और टाइम जो व्यक्ति है हमारा विजय का, हमारा प्राउड है, हमारा गौरव है। हम उनके लिए आज ये कमीशन मिला है, आज उनकी वजह से अगर वो सारे ये कंपनी को विजय को लेके नहीं आता, तो आज हमें कमीशन करने का मौका नहीं मिलता। तो सार के लिए जोरदार फिर से अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज कर लीजिए। और आज लंका में आके हम इस स्कूल में आप लोगों के सामने मीटिंग कर रहा है, कमीशन के बारे में शेयर कर रहा है, तो ये जो मौका हमें सुविधा मिला है, स्पीच के लिए आप सभी के वजह से आप मिला है, लेकिन खास करके जो रीना मैडम है, दिव्या मैम जी है, शरीफुद्दीन सार है, साइदुल इस्लाम है, खलीलुर रहमान है, मोतीउर रहमान है, वो सभी को लेके आप लोग जितने सभी को हम ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं पूरा अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट टाइम लगता है, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज आप लोग जा सकते हो, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, अगर कहीं एक भी बंदा यहाँ पे बैठा है उनसे भी बात कर सकता हूँ, अगर एक भी नहीं है तो मैं अपने यहाँ खड़ा होकर देश के सामने, वहां के सामने भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मैं पागल हूँ, मेरा डिवेलपमेंट है, मेरा पार्टी डिजायर है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल सेटिंग है, मुझे मुझे कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मेरा लाइफ को लेके एंजॉय करना है। इसीलिए देखो, अगर आपकी जिंदगी में सक्सेस हो रहा है, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर जिंदगी में आपको सक्सेस हो रहा है, अगर आपको ड्रीम को पूरा करना है, तो मूव एंड चेंज, जो हमारा नेशनल फाउंडर साहब ने बोला।
सुधार करना पड़ेगा। हाँ, हमको कोई सेक्टर में सक्सेस होने के लिए आपको हार्डवर्क 70% करना है, 30% आपको लाख व्यापार करना पड़ता है, तो वो तो लाख हमको व्यापार कर दिया, क्योंकि कंपनी का जो पहला आईडी है वही है दुजाई, हमारा नेशनल प्रमोटर मिस्टर कॉर्पोरेशन सर जो आपके सामने खड़ा है। तो हमको लाख व्यापार दिया, अभी सिर्फ हम हार्डवेयर करना है, हमें सोचना है। देखो, कोई चीज अगर जिंदगी में हासिल करना है तो नजर से नजरिया बदलना है। नजर से आपको कोई फायदा नहीं होगा, जो बकुल साहब ने बोला है, नजरिया बदलना पड़ेगा। वो जो जहाज था, साहब ने बोला था, वो जहाज में कितने इंजीनियर थे, लेकिन कोई इंजीनियर अपना टैलेंट से इंजन का फिर से स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन एक सीनियर इंजीनियर ने कर दिया। क्यों? उन्होंने 10 मिनट टाइम लिया, वो सिर्फ नजर नहीं किया, वो नजरिया किया। नजरिया का मतलब है वहां पे वो सर खड़ा है तो आपको दिखना है। मैंने बोला वो सर को देखो, आपने नजर किया, देखा है, ठीक है। उसका नजर का मतलब है देखा, अपनी देखी से देखा, तो की देखी से बोले एक रहमान, एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट, एक ही देखी से। तो नजरिया टू हाउ डिटेल्स, उनका हाथ में एक वॉच है, वो सीन है, उनका हाइट है, उनका दाग ऐसा है, उनका काला है या गोरा है, ये है नजरिया। तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए नजरिया बदलना है। यू विल मूव टू फ्रॉम कंफर्टेबल टू अनकंफर्टेबल, यू विल मूव टू इजी टू हार्ड, इम्पॉसिबल पॉसिबल टू इम्पॉसिबल। जिंदगी में सक्सेस होना है तो असंभव को संभव बनाओ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ, तब भी आपको सक्सेस मिलेगा। और जिंदगी में सक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लाइफ आपके लिए नहीं है, आपका फैमिली के लिए है, आपके बच्चे के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए और खुद के लिए। इसलिए खुद समझो, खुद पढ़ो, खुद करो, खुद उठो, खुद जागो और खुद हासिल करो। आपका अगर सक्सेस चाहिए तो खुद करना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट में वर्ल्ड में इतना बड़ा आदमी कैसे हुआ, इतना बड़ा प्लेयर कैसे हुआ, 2 मिनट सुन लीजिए। पाकिस्तान और इंडिया का एक टेस्ट मैच हो रहा था, उस टाइम में अजहरुद्दीन श्रीकांत और सुनील गावस्कर ऐसे बड़ा बड़ा प्लेयर था। जब वॉकर इंग्लिश वाशिम अकरम इतना तेजी बना रहे वर्ल्ड का, उन लोगों का बॉल के सामने कोई लोग ठीक नहीं पा रहा है और इंडिया पूरा हारने वाला था। अजहरुद्दीन पवेलियन चला गया, आउट हो गए, श्रीकांत पवेलियन चला गया, सुनील गावस्कर चला गया पवेलियन। जो 16 साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर फील्ड में उतरा तो वाकर यूज वाशिम अकरम देख के हंस रहा था, अरे वो तो सुनील गावस्कर चला गया, मेरा बोल के सामना नहीं कर पाया, वो 16 साल का बेटा बच्चा क्या सामना करेगा। सुन लीजिए मेरा बात, जब पहला बॉल किया वाकर यूज ने, पहला बॉल किया वाकर यूज ने, तो डायरेक्ट ये बॉल आके सचिन तेंदुलकर का 16 साल का बच्चा का पूरा नाक फट गया और पूरा ब्लीडिंग हो रहा। तो फिजियोथेरेपिस्ट आया, आगे उनको बैंडेज वगैरह कुछ किया, और बाकी जितने लीडर है, प्लेयर है, कैप्टन है, सभी